जी देखिए, हमारे पास सैनियो प्रो एक्सट्रैक्ट मल्टीवर्स प्रोजेक्टर है। इसका को पावर दे के देखते हैं इसका क्या मसला है। ये येलो लाइट चल रही है। ये देखिए, ये वार्निंग वाली लाइट चल गई है। इसका ये वार्निंग वाली लाइट चलने का दो ही मकसद हो सकते हैं। एक तो अगर इसके अंदर डस्ट है तो वो मसला हो सकता है, और एक रैम्प लीकेज का मसला हो सकता है। अभी हम इसे खोल कर चेक करेंगे कि इसके अंदर मसला कौन सा है। तो इसको हम चलें अब खोलते हैं। पहले आप पावर को ऑफ़ करें। अगर आपने ये प्रोजेक्टर चलाया है तो इसको आपको, अगर ये हीटअप हो गया है तो इसको आपने 45 मिनट तक रख देना है, इसको ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए। क्योंकि 45 मिनट से पहले अगर इसे खोलेंगे तो इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है जो आपकी आंखों को नुकसान दे सकती है। चलें, हमने तो अभी चलाया था, कोई हीटअप नहीं है। ये हम इसे खोलते हैं। जितने इसके नट्स हैं शायद खोलते हैं, पहले साइड पे होते हैं, पहले वो खोलेंगे, साइड वाले नट खोलते हैं पहले। इसको निकाल दें। इसके पीछे भी नट है, इसको भी खोल देना। ये देखें, ये अब खुल चुका है। इसको बैक पे पुश करके ऊपर करके खोल लें। ये देखें, जैसे खुल चुका है ये। अब हम इसको खोल कर इसकी डस्ट देखेंगे, और अगर इसके अंदर डस्ट है तो वो उसका डस्ट साफ़ करेंगे। इसका लैंप चेंज होने वाला है तो उसका लैंप चेंज करेंगे। चलिए हम इसको खोल के देखते हैं इसका क्या मसला है। इसके भी हम नट्स खोल लेंगे, इसकी लीड, ये स्ट्रिप फाड़ लेंगे। पहले इसकी स्ट्रिप्स उतार लें। देखिए, यहाँ पे थी, सारी स्ट्रिप्स उतार लें। ये देखें, यहाँ से स्ट्रिप्स उतर गई, और ये वाली स्ट्रिप्स हैं। नहीं, इसको पहले खोल लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर नट है, देखिए यहाँ पर नट है, ये पीछे नट है। सारे नट्स खोल लेंगे।
देखें जैसा कि सारे नट्स खुल चुके हैं और ये इसका सामने वाली चीज़ भी हमने निकाल ली है। यहाँ पे लेंस होता है, तो लेंस भी चेक करेंगे हम, और इसके अंदर डस्ट है तो वो डस्ट साफ करके इसे बंद करेंगे और इसका इशू सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रिप है, इसे भी उतार लें। एक ये ब्लू कलर की स्ट्रिप है और देख रहे हैं अगर कोई स्ट्रिप वगैरह है तो वो उतार लेते हैं। एक ये नट रह गया, इसे भी खोल लेते हैं। ये है, फिर उतार लें। बैक साइड पे एक ये देखें, बैक साइड पे इसको यहीं रहने दें। अब इसकी ये वाली स्ट्रिप्स उतारनी है। इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचने से ही उतर जाएंगी। वो थ्री स्ट्रिप्स हैं ये। ये बहुत आराम आराम से उतारें, ये टूट भी सकती हैं। एक ये एक नीचे स्ट्रिप है, ये उतार लें, आसानी हो जाएगी इससे। देखिए ये आराम आराम से उतारनी है, तो ख़राब होने का भी नहीं सकता है इसलिए। तो ये देखें हमने ये स्ट्रिप उतार ली है सारी, इसकी स्ट्रिप सारी हमने उतार ली है। ये देखिए ये बोर्ड निकाल लिया हमने, इसको कोई इशू नहीं होता, इशू सिर्फ डस्ट और ये लैंप का होता है। अगर आपने इसे पहले यूज़ किया है तो पहले 45 मिनट्स तक इसे कूल होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो आपकी आंखों को नुकसान भी दे सकती हैं। ये देखें हीट अप हो गया, येलो कलर का हो गया। चलें ये फ़ैन है, डस्ट ज़्यादा फैंस के पास होती है, तो पहले हम फैन को साफ़ कर लेंगे। चलें हम इसकी वाली जगह खोलेंगे, क्योंकि इधर फ़ैन है, इधर भी फ़ैन है, क्योंकि फ़ैन वाली जगह पर डस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए फ़ैन वाली जगह को साफ कर लेते हैं खोल के। देखें ये इसके नीचे भी एक केबल है,
केबल को उतार लेते हैं ताकि हमें आसानी हो उसे खोलने में। अभी ये देखिए, ये जैसे इसे हमने उतार लिया, चलो इसको आगे देखते हैं। ये जो केबल है इसको अब उतारेंगे, इसकी वायर यहाँ से आके ये सर्किट के अंदर से ये यहाँ पे जुड़ती हैं, इसको उतार लेंगे यहाँ से। देखें ये अब उतर गई है। इधर भी फैन है, फैन को भी खोल के साफ करेंगे। ये देखें, ये एक फैन है, इसको साफ कर लेंगे, किसी भी कपड़े से साफ कर लें अच्छी तरह से। इसके बाद ये जिसके पीछे फैन है इसको खोलेंगे हम। ये इसका, ये देखें ये स्पीकर है इसका, स्पीकर निकाल लेंगे। और स्पीकर के नीचे एक नट है, ये देखें एक नीचे नट है, उसको खोलने से ये फैन निकलेगा। चलो ये बंद कर खोल लेते हैं। देखिए ये फ़ैन भी निकला है, इसमें भी बहुत डस्ट है, इसको भी साफ़ करेंगे क्योंकि ये डस्ट है, इसको हीट अप कर देती है और ये चल नहीं सकता फिर। चलिए भागे इसके खोलते हैं इसके लेंस को, इसकी ट्यूब को, जहाँ अगर वो रिप्लेस होने वाली हुई तो हम उसको रिप्लेस भी करेंगे। देखिए ये ट्यूब की है स्ट्रिप्स, ये देखिए हमने निकाल लिया। इसके अंदर लेंस हैं, इनको भी साफ करेंगे।
ये देखो, इस लेंस को भी साफ़ करेंगे, इसको एहतियात से रखें, टूट भी सकते हैं। इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर भी लेंस वगैरह हैं, इनको भी ध्यान से आराम साफ़ करना है ताकि टूट ना जाए। एक इधर ये लेंस है बड़े वाला, इसको भी साफ़ करें आप। चलिए हम आगे से खोलते हैं। इसको ओपन करके कभी भी ना चलाएं, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेस अगर अगर इसमें चलेगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ये देखें, एक ये लेंस है, और इसकी ट्यूब, अब हम आपको ट्यूब दिखाते हैं। देखें ये ट्यूब है, इधर से ही पिक्चर बनती है, तो ये लेंस इसको प्रोजेक्ट करके दिखाता है। तो नहीं, अब इसकी लाइट को देख लेते हैं, बिल्कुल लाइट सही है, लैंप सही है बिल्कुल इसका। इसको सिर्फ वार्निंग लाइट का इशू इसकी डस्ट का था, तो डस्ट साफ करके अब हम इसे बंद करेंगे और आपको दिखाएंगे एक प्रोजेक्टर चलने पड़ जाएगा। इसको ना खोलें, क्योंकि अगर ये सही तरह बंद ना हुआ तो इसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी बाहर जा सकती है। ये देखें, और लेंस पे इसकी डस्ट है, सब कुछ साफ करना है। अगर आप कोई लेंस निकालें तो उसको ध्यान से निकालें, आपको पता भी चलेगा आपने लगाना दोबारा कहाँ पे। चलें हम अभी से साफ़ करते हैं, इसको बंद करते हैं, एक एक करके लेंस से साफ़ करेंगे हम, इसको साफ़ करके हम इसे बंद करेंगे। चलें किसी नरम कपड़े से साफ़ करें, जहाँ पे लेंस लगाना है उस जगह को भी साफ़ करें नीचे से भी।
ये देखें स्क्रैचेस बहुत आ गए हैं इस लेंथ पे, क्योंकि इसके साथ ये चीज़ लगी हुई थी। प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा हिलने की वजह से, शॉक की वजह से ऐसे हो कि इस पर स्क्रैचेस बहुत आ गए हैं। चलें हम इसको बंद करते हैं साफ करके। दो लेंस हो गए, ये थर्ड लेंस है इसका, पहले भी निकाला था जो, तो भी साफ कर लेते हैं। चलो आप इसके नीचे वाली जगह भी साफ कर लें दोबारा। साफ क्लियर इसके नीचे वाली जगह भी, इसी तरह ही आपने इसकी सर्विस करनी है। शुरू करते हैं, चलें ये तीन लेंस निकाले जो वो लग चुके हैं, बाकी लेंस इसकी भारी है, बाकी लेंस एक एक करके हम साफ करेंगे। बहुत थिन लेंस हैं, बहुत ध्यान से साफ करें।